घरेलू गैस को ऑटो में भरने वाले लोगों के खिलाफ एक विशेष मुहिम के तहत क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस दरमियान आरोपियों से कुल 5,10,000 रुपए का मुकदमा जब्त किया गया, जिस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पर्वती ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की ओर से विशेष मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मातानगर झिंगाबाई टाके मानकापुर निवासी आरोपी यश रेरवार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने घर की कंपाउंड वॉल को लगकर एक गड्ढा बनाया और इलेक्ट्रिक मशीन के जरिए पाइपलाइन से गैस ट्रांसफर कर रहे थे और इतने में ही पुलिस वहां आधम की और उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पर्वती ने अधिक जानकारी साझा की। शहर में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर से उसका उपयोग वाहनों में बड़े पैमाने पर किया जाता है, ऐसे हमको खबर मिली है। उस आधार पे हमने इसके विरोध में एक मुहिम निकाले, उसके चलते हुए कल भी हमने एक बड़ी कार्रवाई की है। आज भी हमको ऐसी खबर मिली कि मातानगर मानकापुर झिंगाबाई टाकड़ी मानकापुर हद्दी में एक घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध रूप से ऑटो में गैस भर रहे हैं। ऐसी जानकारी मिलने से हम लोग ने एक दबिश बना के वहाँ पे रेड किए। उस रेड के दौरान यश रेरवार ये अपने घर में कंपाउंड वॉल को एक गड्ढा बना के उसमें से पाइप डाल के वो अंदर से गैस एक इलेक्ट्रिक मशीन के सहायता से और रोड पे एक ऑटो में डाल रहे हैं। ऐसे हमने जानकारी मिलने से हमने वहाँ पे एक उनको रंगे हाथ पकड़े। उस कार्रवाई के दौरान हमने एक ऑटो उसमें ये जो गैस ट्रांसफ़र कर रहे थे, उसके बाद वो जो सिलेंडर सप्लाई कर रहा है वो भी ऑटो मिला। उसमें अंदर जो गैस भरने वाला है ऑटो का ड्राइवर, उसमें जो सिलेंडर सप्लाई करते हैं, ऐसे हमने टोटल मिला के 5 लोगों को मौके से हिरासत में लिए और उनके ताबे से एक ऑटो गैस जो सप्लाई करते वो गाड़ी, उसका 35 सिलेंडर, ऐसा टोटल कुल मिला के 5,10,000 का माल इन आरोपियों से जगह पे हमने जब्त किया है। आरोपी नाम क्या है सर? इसमें से आरोपी एक यश मनोज रेरवार, ये जो काम कर रहा है ऑटो का, ऑटो में गैस भरने का, ये एक। उसका शेख समीर शेख नवाब। पुलिस ने मामले में आरोपी यश रेरवार, शेख समीर शेख नवाब, आलोक ब्रह्मी, जितेंद्र बायके और संतोष दिंगारी को गिरफ्तार किया और उनसे 5,10,000 का मुद्देमाल भी जब्त किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।